परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत और सभी का स्वागत करता हूं आज के इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है, हमारे CRPF के जवान हैं और आज वो अपनी आध्यात्मिक जर्नी जो है हमसे शेयर करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, अपना पूरा नाम बताइएगा। परम शांति जी। परम शांति दादाजी, मेरा नाम है शिव कुमार सिंह का बहुत बहुत स्वागत है। इनकी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जब मैंने सुनी तो मुझे लगा कि इनको डेफिनेटली शेयर करना है सबके साथ, ताकि आपको भी समझ में आए कि एक हमारे देश के जवान सिर्फ एक ड्यूटी नहीं करते, इसके साथ में एक अध्यात्म की उनकी जर्नी भी चलती है। तो आज बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा हम करने वाले हैं। तो शिव कुमार सिंह जी, आपका बेहद का स्वागत है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आप अभी कितने साल के हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जी, मेरा जन्म असम में है, डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट कार्बिंगलोंग। अच्छा जी, मेरा 28 ईयर्स अभी हो गया। ओके, तो जन्म जब आपका हुआ कहाँ पर? असम में हुआ। असम में। अच्छा, कौन सा शहर है उसमें? वेस्ट कार्बिंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है, विलेज है बेलबाड़ी। अच्छा, पोस्ट मांडू। ओके, तो आप बचपन से घर में फैमिली का कैसा माहौल था, किसकी पूजा करते थे या किसके आध्यात्मिक ज्ञान का था माहौल? मेरे घर में आध्यात्मिक ज्ञान का तो नहीं था, लेकिन वो सबकी पूजा करते थे, जो भी पूजा आते हैं वो सबकी पूजा करते थे, सभी देवी। हाँ, देवी देवता जितने भी जो हिंदू जानते हैं, हिंदू परिवार से हूँ तो उसी हिसाब से चलता था। अच्छा, तो आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई आध्यात्म की, कब ये लगने लगा कि यार ये दुनिया में कुछ तो ऐसा है जो जानना बाकी? जी, मैं थोड़ा सा बचपन को बताता हूँ। हाँ, प्लीज़ बताइए। मैं बचपन में था तो मेरे माता पिता या जो भी थे जाके पूछते थे शिवलिंग वगैरह, तो मैं थोड़ा सा थोड़ा ज़्यादा शिवलिंग वगैरह जाकर पूछते थे तो हाँ, पत्थर था। अच्छा, तो एक मैंने सुना वो लोग बताते भी थे, पिताजी बताते थे कि पत्थर पूजे तो हरी मिले, मैं क्यों ना पूजे पहाड़। क्या, तो क्या, क्या, पत्थर पूजे तो हरी मिले, मैं क्यों ना पूजे पहाड़। तो मेरा कॉन्सेप्ट है कि जो भी पत्थर रास्ते में जाते, मैं स्कूल जाता था तो उसको प्रणाम करता था कि ईश्वर है, इतना बात कर रहा। जी, सुपर। अच्छा, फिर तो बचपन में ऐसा थिंकिंग था कि लोगों का कल्याण करने, अंदर से ऐसा थिंकिंग था। मैं सीरियल भी देखता था, एक शक्तिमान करके सब लोगों ने देखा हुआ, बचपन में बहुत पसंद था। बचपन में तो मैं भगवान से प्रार्थना करता, काश मुझे भी अब शक्ति दे तो मैं दूसरे के कल्याण के लिए यूज करूँ, खुद के लिए ना करूँ। तो ये बचपन से थी मेरी भावना विश्व कल्याण की। ओके, तो ऐसे ही मैं पढ़ता था, उस समय ज्ञान नहीं था, गांव में इतना फैसिलिटी नहीं होता है पढ़ाई, तो मैं सोचा था 10 पास करने के बाद भी कोई जॉब कर लूँगा, CRPF वगैरह या किसी ऐसा जाऊँगा, क्योंकि गांव में ऐसा चलता है कि डिफेंस में जाना है बच्चों को। अच्छा, क्योंकि हम इतना रिच फैमिली नहीं थे, नॉर्मल, बहुत नॉर्मल फैमिली से। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते फिर क्लास 6 के बाद मैंने एक नवोदय विद्यालय है तो वहाँ पर मेरे को इंट्री मिल गई भगवान की दया से, तो मैं वहाँ पर पढ़ाई कर ली, मेरी अच्छी पढ़ाई होगी, वहाँ पढ़ने में बहुत अच्छा था, मैं टॉपर भी रहा। तो प्लस टू मैंने साइंस से वहीं तक करी, नवोदय से, वहाँ बहुत अच्छा फिजिक्स मिला, वहाँ से मुझे बहुत जानकारी मिली दुनिया के बारे में। लेकिन उसके बाद मैंने BSc मैथमेटिक्स कर रहा था, बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ तो मुझे जॉब करना पड़ गया, क्योंकि मेरे एक अंकल थे CRPF में, तो उन्होंने फॉर्म भर रहा था, बोला था आप ऐसे ही एक बार ट्राई मार दो, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, बाद में नौकरी करना अभी एक बार ऐसा ट्रायल करो। मगर भगवान की कृपा थी शायद कि वो मेरा हो गया, जो मैं चाहता नहीं था, भगवान से प्रार्थना भी किया था, भगवान मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे कुछ आगे बनना है। अच्छा, क्योंकि मुझे कल्याण की भावना थी, मैं यहाँ जाऊँगा तो फिर आगे नहीं बन पाऊँगा। तो लेकिन परमात्मा की मर्जी थी कि मैं यही कल्याण करूँ, तो फिर मुझे घर वाले भी बोले कि क्या करोगे, कि उसमें थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था, तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया परमात्मा की, तो मैं 2015 में ज्वाइन कर लिया, CRPF ज्वाइन कर लिया। ओके, और उस समय मेरा एज 20 ईयर्स के था। वेरी गुड, तो कर लिया। ऐसे करते करते मतलब मैं जॉब करता था तो नया था, वहाँ गया, लोकेशन था जम्मू कश्मीर था, तो वहाँ जॉब किया, अच्छा लगा। तो लेकिन उसी समय बचपन से था कि मैं कुछ करूँ, लोगों के लिए कल्याण करूँ, जैसे कि मैं बाबा रामदेव का योग दिखता था, तो मैं सोचता बहुत बड़ा योग बनकर लोगों को योग कराऊंगा, बीमारी ठीक करूँगा। अरे वाह। और नहीं, और आयुर्वेद, योग और आयुर्वेद के प्रति मेरा बहुत था कि आयुर्वेद और योग से सब बीमारी ठीक हो सकता है, ऐसा मैंने सुना था शास्त्रों में। तो मैं सोचा था योग या तो आयुर्वेद का मेडिसिन डॉक्टर बन जाता हूँ, क्योंकि पढ़ने में साइंस अच्छा था, मगर किस्मत जो परमात्मा लिखते वही होता है। तो जो भी है, लेकिन था एक भावना अंदर से थी, देश प्रेम की भावना थी, पहले तो देश प्रेम के लिए बहुत भावना थी। तो इसी कारण मतलब अचानक से तो नहीं होता, धीरे धीरे सब आता है। तो देश प्रेम से मैं देखा, देश प्रेम से भी करने से क्या होगा, दुनिया का तो ऐसा परिवर्तन नहीं होना, उसके लिए स्पिरिचुअल ज्ञान चाहिए, खैर वो तो बताऊंगा आपको। तो ऐसे करते करते मैं 2000
16 के आसपास मेरे के साथ एक ऐसा मतलब कार्मिक पैटर्न आया, तो जैसे लगा कि मैं कौन हूँ, अच्छा क्यों हूँ इधर। 2016 हाँ 2016 के आसपास। ओके तो मुझे मैं जानना चाहा कि मैं कौन हूँ क्यों हूँ। तो मेरे दोस्त थे जो भी दो तीन फ्रेंड थे जिनके साथ ड्यूटी करता था, तो पास में एक नदी थी, तवी नदी थी जम्मू में। मैं शाम को उनके साथ गया घूमने के लिए, फिर नदी को बैठ के मैं घंटों देखता रहा, नदी है पानी है, पानी बह रही है तो पानी है, तो पानी क्या है, मैं घंटों देखता रहा, नदी में खो गया ऐसा लग रहा। फिर आकाश को देखता, फिर ऐसा करके मतलब ऑब्जर्वेशन करने लग गया। जैसे बोलते ना एक ख्वाब था मेरा, वो ख्वाब सा टूट सा गया था, इसलिए बताया मैं तो ऐसा सोचा मैं कौन हूँ क्यों हूँ। तो मैं देख ऐसा बोलते ना ख्वाब देखते देखते मैं जग गया ख्वाब से, यानी बोलने अवेकनिंग मेरा उसी समय हो गया। तो फिर देखता था सब लोग कर क्या रहे इधर क्या है, ऐसे देखते देखते कभी मैं पेड़ों को देखता तो ऑक्सीजन मेरे से जा रही है, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी उनसे ऑक्सीजन मुझे मिली, मेरे से कार्बन साइकिल चल रहा है, और घंटे घंटे उनको ऑब्जर्व करने लगा। फिर ऐसे कभी चाँद को देखता, कभी सितारे रात में देखता, तो अच्छा अनुभव ऐसे मतलब पेड़ों को मैं जब आधा आधा घंटा 20 मिनट ऑब्जर्वेशन करता था, जैसे लोग मेरा कॉन्शियसनेस इंक्रीज होने लग गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया, कुछ अलग सा अनुभूति होने लगा। ऐसे करते करते मैं कोई भी गुरु हो सबका ज्ञान सुनता था, मेरा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, मेरा कोई गुरु नहीं थे, मेरा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, किसी का भी सुनता था। मैंने सदगुरु का सुना, उससे पहले मैंने वो स्वामी सर्वप्रेरणानंद थे उनके बारे में सुना था, ड्यूअलिटी नॉन ड्यूअलिटी के बारे में बताते थे, तूर्य अवस्था क्या है, सुषुप्ति क्या है, जागृत अवस्था क्या है, इसके बारे में सुनना स्टार्ट कर दिया। और ओशो के बारे में कुछ, ओशो को कुछ वीडियो देखा, मैंने सबका वीडियो देखा, प्लस साधु सन्यासी की वीडियो देखा, भक्ति मार्ग का तो था ही, मेरे अंदर राम और कृष्ण की भक्ति थी, शिव की भक्ति थी। उसी बीच में मैंने बहुत सारा देखा था, बहुत सारा ज्ञान मुझे इमर्ज होने लग गया। एक था भगवद गीता का रामानंद सागर का 7 घंटे का, एक था लास्ट एपिसोड अपने सबने सुना होगा। तो मैंने वो जब सुना तो मेरे को अंदर से इतने आंसू निकले, मैं कृष्णमय हो गया। वहाँ मेरे को इतना आ गया कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, ये सब समझ में आने का, समझ में आ गया कि यहाँ पर दोष किसी का नहीं, सिर्फ संस्कारों का है। संस्कार परिवर्तन होएंगे तो सब लोग बढ़िया हैं, अच्छे हैं। तो ये ज्ञान मुझे समझ में आ गया, तो मुझे एक अंदर से फीलिंग आया कि मैं तो जान गया हूँ लेकिन लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। तो वहीं से थोड़ा थोड़ा अनुभूति होने लग गया कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि जो भी ड्रामा चलना चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ज्ञान आ गया। ऐसे करते करते मैंने सदगुरु के भी बहुत सारे वीडियो देखे, उसी बीच में आत्मा परमात्मा ज्ञान थोड़ा आ ही गया था, बहुत अच्छा से समझ में आ रहा था मेरे को भगवद गीता, शायद रिकॉर्डिंग थी जो भी था। तो उन्होंने सदगुरु ने वो सदगुरु भी बताते थे हम क्या नहीं, हम माइंड नहीं, हम बॉडी नहीं है, संस्कार नहीं है, वो भी बताते थे। तो उसमें तो बोला अच्छा था, लेकिन वो ये नहीं बताते हम क्या हैं, लेकिन वो बताते हम क्या नहीं है, तो उसको अपने उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस रखने के लिए। तो वो भी मैंने बहुत अच्छा से समझा कि वो भी अच्छी कुछ बता रहे, तो वहाँ से उनको लिया, ओशो से भी कुछ लिया, वो मेडिटेशन का थोड़ा योग निंदर का सिखा रहे तो वो भी लिया, संभावी मुद्रा संभावी योग ऐसा सदगुरु ने सिखाया था, प्लस भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बताया था कि हम ध्यान से उस परमात्मा को जान सकते हैं। तो मैं ध्यान भी करता था क्योंकि मुझे भगवद गीता को सुनने के बाद आत्मा परमात्मा का आत्मा ज्ञान हो गया, तो मुझे आत्मा देखना है ये आया था, इसलिए मैं ध्यान करता था। इसी बीच में एक दिन देखते देखते सदगुरु जी ने बताया कि एवरीथिंग कम फ्रॉम नथिंग एंड गोज बैक टू नथिंग। ऐसा सुन के मैं, उन्होंने बोला एवरीथिंग कम फ्रॉम नथिंग एंड गोज बैक टू नथिंग, यानी सब कुछ कुछ नहीं सहेगा ना कुछ नहीं में चला जाएगा। तो ये सब कुछ कुछ नहीं से, ये सदगुरु ने बताया, उनका एक कोटेशन था, उनको मैं सुन रहा था। तो मैं बोला कि क्या बोला, मुझे नींद नहीं आया उसने, ये क्या है, मैं देखने लगा ये सब क्या है, सब कुछ कुछ नहीं है, कुछ में चला, मतलब क्या है, समझ में नहीं आया, नींद सा नहीं आया। और एक ये तो उसके बाद एक उन्होंने बताया कि हम मन नहीं है, उससे पहले मैं मन को समझ के हम सब काम करते हैं कि हम सब मन है। तो उन्होंने बोला सब कुछ नहीं से है, तो मतलब मेरा मन है तो मन क्या है, तो मेरे को टेंशन हो गया कि मैं क्या हूँ, मेरे को नींद नहीं है। ओ हाँ, इसके कारण इतने सीरियस थे, इतने सीरियस थे इसके रिगार्डिंग, मैं क्या हूँ, मैं अंदर से मतलब वो हो गया। तो ऐसे ही मतलब, और उनका मैं साइंटिस्टों की भी बहुत बात सुनता था क्योंकि मैं फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, फिजिक्स मैथ्स में। तो मेरे को फिजिकल साइंस के हिसाब से भी थोड़ा समझ में आता था, स्पेशल भी समझ में आता था भक्ति मार्ग में, यानी मेरा भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग साथ साथ चलने लगा था। और मैं जो भी बुजुर्ग थे उनसे भी अनुभव लेता था, CRPM में आपने जीवन में इतना क्या किया, क्या मिला क्या नहीं मिला, उसे पूछता था। तो मेरे साथ में एक ऐसा कार्मिक अकाउंट था जो मेरे को बैराग्य लाता था हमेशा। तो मुझे ऐसे सुनते सुनते ऐसा आया कि विश्व कल्याण या लोक कल्याण की भावना मेरे अंदर थी। तो मैंने सोचा अब तो मेरे को ज्ञान मिल गया है, कुछ कुछ बहुत सारा ज्ञान मिल रहा है, तो मैं और भी ध्यान करता हूँ, और भी ज्ञान लेता हूँ, बाद में लोगों में ज्ञान दूंगा। क्योंकि मैं समझ गया कि हम डेथ और लाइफ के साइकिल में फंस चुके हैं भगवद गीता से, मुझे पूरा क्लियरली समझ में आ गया। तो मैं सोचा मैं भी लोगों को ज्ञान दूंगा, उनको भी आगे जागृत करूँगा, वो भी जाएँ हम भी जाएँ, क्योंकि मुझे भी लगा कि मुझे परमात्मा के पास ही जाना है। उस समय मेरा कॉन्सेप्ट ये नहीं था कि जीवन मुक्ति, मुक्ति कॉन्सेप्ट नहीं था,
लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे परमात्मा में जाना है और सब कुछ परमात्मा है, इतना तो पता चल गया था। तो ऐसे सुनते सुनते एक दिन मैं योग निंद्रा कर, पहले पहले मेडिटेशन करता रहा था, मुझे कुछ अनुभूति होती थी, जैसे कहीं हाथ में सेंसेशन खत्म हो जाता था, तो मुझे बहुत आनंद आता था, ये अच्छा अनुभव हुआ। ऐसे कैसे एक दिन 2018 ही था, तो योग निंद्रा करता अकेला था, ड्यूटी में अकेला था, मैं सो गया था, हॉस्पिटल में कोई पेशेंट नहीं थे, मैं हॉस्पिटल में ड्यूटी में, तो आराम से ऐसे ही लेट कर योग निंद्रा करता, मतलब सुन रहा हूँ बाहर क्या है। अचानक से मुझे एक सेकंड का ऐसा अनुभूति हुआ कि जैसे मैं एक एनर्जी हूँ, और मैं डर गया कि मैं, मेरा अस्तित्व खत्म होने वाला है, इसलिए मैं डर गया था। अचानक एक सेकंड में फिर वापस मैं आ गया, तो मुझे डर लगा कि मेरा अस्तित्व खत्म होने वाला है, तो शायद कुछ था कि वो मन से परे जा रहा था, तो मन ने मुझे रोक रहा था, लेकिन वो अनुभूति थी कि मैं शरीर नहीं, पूरा एनर्जी हूँ, एनर्जी से फील हुआ। तो ये जब फील हुआ तो मुझे तो लगा कि जैसे जो साधु सन्यासी जंगलों में तपस्या करे वो कोई ये नहीं है, पूरा 100% रियल ट्रूथ है, मैंने अनुभव कर लिया। तो मुझे समझ गया कि ये तो पूरा स्पिरिचुअल कोई ये नहीं है, पूरा हकीकत है। तो मेरे अंदर तो लोगों को कल्याण करने की भावना थी, तो मेरे को और भी था, मैं लोगों को समझाता था, कुछ कुछ ज्ञान देता था, लेकिन लोग उतना सुनते नहीं थे उनका, तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे रिसर्च करता था। ऐसे करते करते एक दिन मैंने आदि शंकराचार्य के जीवनी पढ़ा था, तो वहाँ से मुझे मिला था जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य का ज्ञान, मुझे वहाँ से मिला था, और वहाँ से मिला था कि ईश्वर ही सत्य है, ये जगत माया है। तो मुझे भगवद गीता से समझ में आया था, यहाँ से किया तो और भी क्लियर हो गया मेरे को कि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब हम उसके अंश है, बाकी संसार माया है। क्योंकि भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बोला था कि जब मैं चाहता हूँ तब सृष्टि बनाता हूँ, उसके बाद समेट लेता हूँ। तो मुझे समझ में कि माया है और हम ऐसे ड्रामा में फंसे हैं, संसार में फंसे हैं, तो हमें को परमात्मा में समा जाना, मुक्ति का ज्ञान मुझे मिला था वहाँ पर, कि हमें वह मिला और सबको मुक्ति चाहिए, सब वही जानते हैं, तो इतना तो मुझे मिल गया था। तो मुझे ऐसा लगता था कि अब ये ज्ञान देकर लोगों को, क्योंकि अब तो मैं सीआरपी में तो कर नहीं सकता था, तो मैं सोचा था बाद में अपने बहन की शादी हो जाएगी, माता पिता कुछ पैसे देकर उनको देकर सेटल करके फिर मैं कहीं जमा तपस्या करके ज्ञान अर्जित करके फिर लोगों में ज्ञान दूँ, ऐसा मेरे अंदर भावना आई। मैं करना था सन्यासी बनने का एक भावना आ गई, हो सकता है कर्म बंधन रहा होगा इस कारण से भी ये सब भाव आया होगा, तो मेरे अंदर आई। तो ऐसे करते करते 2018 में दादाजी का एक वीडियो मिल गया मेरे को। कौन सा था ये? स्व संस्कार परिवर्तन का कुछ ऐसा था, मैं क्योंकि मैं बहुतों को ज्ञान सुनता था, तो दादाजी को भी मैं सोचा कोई गुरु होंगे तो मैं इनका भी ज्ञान सुनता हूँ, तो ऐसा पहले तो मैं एक दो दिन ऐसा सुना, तो मुझे बहुत पसंद है, ज्ञान बहुत अच्छा है। तो अचानक से एक बापूजी का दिव्य संदेश करके एक था, तो उन्होंने बोला कि ये अल्माइटी अथॉरिटी है, छोटूराम बापूजी है, ये क्या है? तो मैं सुनने लगा आत्मा परमात्मा, क्योंकि मुझे आत्मा का कॉन्सेप्ट, परमात्मा का कॉन्सेप्ट तो आ गया था, अनुभूति नहीं थी लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत आ गया था, और मैं अनुभूति करने का अनुभव कर रहा था। तो फिर बापूजी का जैसे मैं देखा तो मुझे तो क्रिस्टल क्लियर जैसा सब कुछ समझ में आने लगा, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च कर रखा था, मैं घंटों पेड़ को देखता था, ऑब्जर्व करता था कि ये पेड़ है तो क्यों है, कैसा है, और पत्ते को देखता था, फिर अपने हाथ को देखता था क्या है। तो इसलिए मेरा कॉन्शियसनेस, मेरा परसेप्शन चेंज हो गया था लाइफ का, जो पहले था बचपन में वो अब नहीं रहा था। तो और ज्ञान आने के बाद और एनहांस होते गया। अब जब ये दादाजी के वीडियो देखा तो मुझे तो लगा था यही चाहिए था, क्योंकि कल्याण करने की भावना थी मेरे अंदर बचपन से, लोगों को कल्याण करना है, शायद ये पूर्व जन्मों में कुछ संस्कार थे जो मेरे को अंदर वो थी, तो मैं बोला था ये जो चाहिए था मुझे आया। तो मैंने बापूजी का पूरा वीडियो देखा, बहुत सारा वीडियो देखा, अब एग्जैक्ट कितना देखा मालूम नहीं, कई कई वीडियो कई कई बार देखा, लेकिन मुझे समझ में आ रहा था, कोई डाउट नहीं आ रहा था मेरे अंदर, कोई डाउट होता नहीं। हाँ, लेकिन दादाजी ने बताया था शिव महाशिव परम महाशिव, उसमें मेरे को एक क्लियर हुआ था, क्योंकि जब मैं भगवद गीता देखा था श्री कृष्ण को बताया कि श्री कृष्ण सर्वोपरि है, तो मैं कन्फ्यूज था कि शिव सर्वोपरि है कृष्ण, मुझे इनमें कन्फ्यूज हो गया था कि सबसे बड़ा कौन है, क्योंकि कृष्ण भी बोलते हैं सब सृष्टि मुझसे निकले, मुझे समझ आती है, लोग ऐसा शिव को बोलते हैं। तो दादाजी भी मैं तो समझ गया कृष्ण किसके अवतार है, राम किसके अवतार है, तो मुझे समझ में आया, उससे पहले नहीं आया था, उससे पहले मैं 16 सृष्टि के बारे में हम जानते थे, हमें इतना ज्ञान नहीं था। तो दादाजी ने बताया शिव महाशिव परम महाशिव क्या है, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, यूनिवर्स। तो मैंने नेट में रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया कि एक दादाजी क्या है, क्योंकि मैं रिसर्च के टाइम में था, तो रिसर्च किया मैंने, रिसर्च किया तो मैंने बताया एकदम 100 सही ज्ञान है। तो मुझे विश्वास पूर्ण हो गया कि यही हमें ज्ञान है, यही अंतिम है, और दादाजी हमारे जो है पूरे यही अल्माइटी है, मुझे पूरा विश्वास हो गया, क्योंकि मैंने बेसिक रिसर्च कर लिया था, तो मेरे लिए तो बहुत आसान हो गया, बापूजी ज्ञान समझना आसान हो गया था, और मेरे लिए एक कॉन्सेप्ट नहीं था कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मैं समझूँ विश्वास करूँ ना, ऐसा कुछ प्रश्न नहीं था कि मुझे विश्वास नहीं करूँ, मुझे तो ऑटोमेटिक विश्वास होता ही था, मतलब कुछ ऐसा नहीं था। तो बहुत सारे वीडियो सुना, तो मैं जम्मू में कश्मीर में था, तो मैं घर में भी सुनता था, तो भैया लोग बोलते थे क्या सुनता है अभी से, इसका क्या है दिक्कत है, क्योंकि सुनता था मैं, तो मेरा तो इंटरेस्ट थी, मेरी जोड़नी अलग है, उनकी जोड़नी अलग है, तो मैं सुनता था।
तो ऐसे करते करते अक्टूबर में प्रोग्राम होते थे, मुझे पता नहीं चला क्योंकि मैं व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ा था, मैं वो यूट्यूब में आता था तो सुनता था, तो मुझे पता ही नहीं चला कि ऐसा हुआ। मुझे बाद में पता चला, तब दादा ने बोला कि अब मिलना नहीं है, प्रत्यक्ष करना है। तो पता नहीं, एक मेरे अंदर भावना थी तो ठीक है प्रत्यक्ष करते हैं ऐसे दादाजी को, क्योंकि मैं एक्सेप्ट कर लेते हैं, थी सेटिस्फेक्शन था एक मेरे अंदर से कि मैं एक्सेप्ट कर लेता था। अच्छा, आपने गीता कब पढ़ी थी? गीता, गीता मैंने नहीं पढ़ी थी, मैंने भगवद गीता का और ये यथार्थ गीता का नेट से मैंने सुनता था, ऑडियो सुनता था, रामायण महाभारत देखता था, सब सुनता था मैं। ये कब समझ में आया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ? ये तो भगवद गीता से मुझे क्लियर हो गया, समझ गया, क्योंकि सांख्य योग कर्म योग था, मैंने बहुत क्लियर से समझ लिया उसे। तो आत्म कल्याण के बारे में कि भाई अब हमें आत्मा का कल्याण करना है, ये कौन सी उम्र में ऐसे जागृति आ गई कि आत्मा का कल्याण करना है? ये भगवत गीता देखा तो ही मुझे 22-23 साल की उम्र में। अच्छा, 22-23 साल, 22-23 साल में हुआ था। तो जब आपको समझ आ गया कि शरीर का महत्व नहीं है, आत्मा का महत्व है जी, तो फिर उसके ऊपर आपने क्या क्या काम किया? पहले तो काम ये था कि मैंने समझ गया ये नहीं है, तो मुझे किसी को भी मतलब कोई करता था मैं समझ गया था इसके संस्कार है तो इसलिए ऐसा कर रहा है, तो इनको ज्ञान मिल जाएगा, लाइफ एंड डेथ से निकल जाएंगे तो परमात्मा में चले जाएंगे, फंसेंगे नहीं क्योंकि भगवत में। तो मैं लोगों को थोड़ा ज्ञान देता था, मैं खुद भी रिसर्च करता था क्योंकि मैं अभी तो रिसर्च चल रहा था, मेरा अनुभूति नहीं थी आत्मा का, मैं आत्मा देखना चाहता था इसलिए मैं रिसर्च करता था ऐसे से, इसलिए मैं ज्ञान भी बहुत सुनता था। फिर वो बताते थे कि ये शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, तो अब तुम चलते रहो तो अपने आत्मा को देखो कि आत्मा है और शरीर चल रही है, तो ऐसा भी मैं प्रैक्टिस करता था। तो ऐसे कर कर मैं अनुभव करता था थोड़ा थोड़ा जितना टाइम मिलता था, क्योंकि ड्यूटी भी साथ में थी, ऐसा था। तो फिर ब्रह्म के बारे में कब पता चला? ब्रह्म के बारे में पता चला वो आदि शंकराचार्य के बारे जी का, उनका दिखा, उनका 3 घंटा का एक ऑटोबायोग्राफी करके आया है उनका बारे में, उन्होंने क्लियरली बताया था ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ये माया है, तो मुझे पता चल गया कि और ब्रह्म में मतलब यहाँ कि ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य और हम सब ईश्वर के ही है, तो ये माया है, ये आती है और चली जाती है, तो हम उसमें समा जाते हैं। मुझे समाने ही ज्ञान था, तो हम बोलते हैं हमें समाना है, उसमें चले जाना है, विलीन हो जाना है, ऐसा मुझे ज्ञान हुआ था, मुक्ति का ज्ञान हुआ था, लेकिन जीवन मुक्ति क्या है ये पता नहीं था। अच्छा, तो परब्रह्म तो जैसे आया ना अहम ब्रह्मास्मि, जब पहली बार सुना तो क्या समझ में आया? तो नहीं, अहम ब्रह्मास्मि तो मैंने नहीं सुना था, हम अच्छा, हमने सुना था ईश्वर ही सत्य है, हमें ब्रह्म में समा जाना है। ओके, तो हम उसके अंश है इतना समझ में आया था, लेकिन मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ यह तो दादाजी से पता चला। अच्छा, ओके ओके, तो जब दादाजी से पता चला कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, तो उस वक्त क्या दिमाग में आया, हो सकता हूँ मैं कि नहीं हो सकता? हो सकता हूँ मतलब मुझे डाउट ही नहीं हुआ, क्योंकि दादाजी ने बोला है कि तुम्हें जीवन मुक्ति मुक्ति देना है, तुम्हें स्व परिवर्तन करना है, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर होना कैसे परिवर्तन होगा, मैंने पूरा समझ गया। तो मुझे लगा कि मुझे तो परिवर्तन करना है, मुझे कल्याण करना है, कल्याण सर्वोच्च कल्याण का मार्ग यही है, तो मुझे वही स्वरूप धारण करके मुझे करना है, तो मुझे अंदर डाउट ही नहीं है कि मुझे ये कुछ है। Right, लेकिन कुछ लोग मेरे को बोलते थे घर में कि ये सब हवा हवाई है, ये है बोलते थे, लेकिन मुझे तो अंदर से फीलिंग आती थी, कभी कभी ऐसा महसूस होता था, तो ऐसा कभी लगता था कि अगर ऐसा नहीं हुआ, डिले हुआ तो क्या, लेकिन डिले होगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ज्ञान मुझे कॉन्सेप्ट था कि आज नहीं तो कल तो होना ही होना है, होना ही है तो इसमें मुझे दिक्कत ज़्यादा नहीं हुई। सही बात है। तो जब आप धरती के मतलब अलग अलग जैसे थियोरी ऑफ कर्म कब सीखे आप? थ्योरी ऑफ कर्म तो सच्ची में थ्योरी ऑफ कर्म तो दादाजी से सीखा, पहले पता था कि कर्म भगवत गीता में बताया कि जैसा कर्म करें उसे मिलेगा, लेकिन समझ उतना नहीं आता, समझ तो दादाजी की वीडियो से पूरा आया, उसमें जानता था कि जैसा कर्म करेंगे वैसा सब कर्मों का फल है, लेकिन काम कैसे करता है, कैसे अप्लाई होता है, ये उस समय नहीं था, ये दादाजी से पूरा क्लियर हुआ। तो जब ये समझ आ गई कि हाँ थियोरी ऑफ कर्म जैसी चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो क्या अब प्रैक्टिकली उसको फॉलो करने लगे आप? हाँ, मैंने फॉलो करने स्टार्ट कर दिया। तो मैंने एक मैं एक ऐसा गहरा कर्म बंधन मेरा था कि मैं अब ज्ञान हमें आने के बाद तो मैं समझ गया कि किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना है, उससे पहले मैं कर सकता था, तो मैं सोचता था अगला जैसा करता है कोई बात नहीं उसको करने दीजिए, लेकिन एक ऐसा था कि मेरे से एक गलती हुई थी, उन्होंने मुझे बताया नहीं था, तो मैं सोचा था मेरे से कैसे गलती हो सकती है, ये मेरे ईगो आ गया था कि मेरे से कैसे गलती होगी, मैं तो ज्ञान भी समझ रहा हूँ, मैं कभी से गलती नहीं चाहता था, तो मुझे तो मेरे से गलती हुई कैसे, क्योंकि अनजाने में गलती हुई, जानबूझ के नहीं हुई, जानबूझ के गलती होता तो मुझे समझ आता क्योंकि मैं अनजाने में गलती किया, क्यों तो मैं सोचा ऐसा कैसे हो सकता था, तो ये मेरे लिए बहुत होता था, इसके लिए मुझे बहुत दुख लगा कि मेरे से कैसे गलती होगी, इसको मैं सहन नहीं कर पाया था, मेरे से कैसे गलती हो सकती है, मैं बचपन से सबके कल्याण के लिए भावना है कैसे, तो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि ये मेरा पास्ट लाइफ कर्म था, इसलिए मेरा मन ही उस समय ऐसा ऑटोमेटिक हो गया, तो
इसलिए तो मुझे बाद में क्लियरली पता चला। देखिए कर्म, जब कर्म का बंधन हमारे सामने आता है ना, तो कुछ भी कहाँ भी कैसे भी वो हो जाता है, हो जाता है ना। हाँ, पर हमारा अवेयरनेस होना चाहिए कि यस गलती हुई है, ठीक, तो अब इसे ठीक करें, ठीक है। या हमारा मतलब हम ऐसे ही पहले ही संकल्प करते रहे कि देखो मेरा एकदम क्लियर है, ठीक है, मेरे से गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अब वो कर्म बंधन रह गया है, अगर उसको हम योग बल से, योग करते करते अगर उसको हम ख़त्म करते हैं, तो धीरे धीरे एक अवेयरनेस आएगी। मतलब एक तुम्हारे पहले एक्शन होने से पहले मन में वो रुक जाएगा, रुक जाएगा जी। अभी मन में आके, मन में लालच आई और वहीं पे अवेयरनेस है तो रुक गए है, कर्म का नॉलेज है और उसको फॉलो करने का बहुत पक्का विश्वास है, तो वहीं पे रुकेंगे। मन में आया कि अच्छा लालच आ गई मन में, तो अभी आप अवेयर हो, अरे मैं तो आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ। तो अगर ये चीज उसी वक्त अगर दिमाग में आ गई तो वो लालच वहीं के वहीं रुकेगा, वो एक्शन में नहीं होगा। मान लो किसी का पर्स पड़ा है, पैसे भी पड़े खुले, तो मन में आया कि अरे कोई नहीं है, और फिर अंदर से आवाज़ है अरे हम तो ब्रह्म स्वरूप है, थोड़े से पैसों के लिए थोड़ी ऐसा करें। जी बिल्कुल। तो ये अवेयरनेस है, ये जागृति है जी। मन क्या है, मन के अंदर विकार हो सकते हैं, मन के अंदर, क्योंकि सूक्ष्म कर्म भी है और इस चैतन्य, इस जीवन में हमने ऐसे बहुत अनजाने में बहुत बार ऐसे गलती की। जैसे कोई बंदा बोलता है बहुत भूत है, इस गांव में भूत है, इस पेड़ के नीचे भूत है, यहाँ भूत है, वहाँ भूत है, मतलब उसने जीवन में मान लो 10,000 बार अपने दोस्तों से या घर वालों से या किसी से भी ऐसी बात करी है कि हाँ भूत होते हैं, होते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं, फलाना ढिमकाना। अब ये 10,000 बार जो करी तो वो क्या हो गया, अंदर रिकॉर्ड हो गया सबकॉन्शियस जी। अब ये 10,000 संकल्प करना जो अंदर पड़ा है, वो एक ना एक दिन बाहर आएगा, चाहे दिन में आए, चाहे रात में आए, चाहे सपने में आए, चाहे जागृति में आए। अब तो जैसे यहाँ बैठे और एकदम अचानक लाइट चली, अंधेरा हो जाए, तो पहला अंदर से क्या आएगा, डर पैदा हुआ। डर पैदा होते ही उससे रिलेटेड संकल्प पकड़ लेगा, भूत है यहाँ पे, भूत होगा, राइट। अंधेरे में भूत आता है, बचपन में मेरे को आते थे ऐसे सपने, भूतों के सपने आते थे। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, भूतों के सपने इसीलिए आते हैं ना कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। अगर हम पहले से ये बोलते, अगर ये मान लेते हाँ हो गए, पर मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मैं तो उससे पावरफुल हूँ, मैं तो ब्रह्म समान, बचपन से अगर हमारे माँ बाप ने ये सिखाया होता, अरे हम तो परम सूर्य के समान है, हम ब्रह्म समान है, ये भूत भूत तो सामने खत्म हो जाएंगे जी। मेरे को तो अपोजिट सिखाया गया था, डरने के लिए भूत। हाँ, डरने की, वही तो प्रॉब्लम है। और वो डरते भी थे, मेरे घर वाले थे, एक दादी भी थी, वो भूत बोलती थी ये भूत ऐसा करते, तो ऐसा, मतलब उनका फियरनेस का तो ऑलरेडी पहले से सबको से मैंने डाल दिया था। वही मैं कह रहा हूँ, किसी भी चीज़, सिर्फ भूत प्रेत की बात नहीं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे दिमाग में पहले से फालतू डाल दी जाती है ना। शास्त्र तो पढ़े नहीं, मदालसा ने अपने बच्चों को सिखाया कि तुम ब्रह्म हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तो अच्छा सिखाया तो वो मोक्ष पा गए, और हम लोगों को बताया कि तुम भूत हो, तुम प्रेत हो, उससे डर और फलाने से डर, तो तुम भूत बन जाओगे और क्या बनोगे, है कि नहीं। तो जितना दिमाग में जो डाला जाएगा वही बाहर आएगा, चाहे जागृति में आए, चाहे तुम योग करने जाओगे तो भी आएगा पहले, ऐसा नहीं है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में है। तो जैसे तुम कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में गए, तो जो डेटा वहाँ पड़ा है वो तो सामने आएगा जी। बिल्कुल, मैं अनुभव किया हूँ, है ना जी। फिर तो ऐसे अनुभव, मतलब वो ये सब क्लियर, मुझे बाद में पूरा क्लियर चल गया कि ये सब सबकॉन्शियस में मेरे पास्ट लाइफ का रिकॉर्डिंग है। हाँ, तो पास्ट लाइफ अनंत जन्मों की है, जिसके जितने ज़्यादा जन्म उसका मन उतना भारी, समझे ना जी। हाँ, तो मुझे समझ में, ये मेरी गलती इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म की ही है। तो मैं सोचा इस जन्म में मैं सुधार दूँ, लेकिन गलती हो जाती है, एक लिमिट में सुधारना चाहिए। तो मैं सुधारने के चक्कर में मैं सोचा वो आत्मा से थोड़ा अटैचमेंट भी था, मैं सोचा शायद उसको भी ज्ञान में दे दूँ, बेहद की आत्मा होगी, शायद इसी कारण मेरे को जागृति भी हो गई उसके जल्दी। तो मैं उसको भी ज्ञान देना चाहता, लेकिन वो ज्ञान एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने, तो उनके चक्कर में भी थोड़ा सा नीचे। दादी ने बोला था ना कि किसी को उठाने जाओगे तो गिर जाओगे, बहुत पहले वीडियो में बोला था। हाँ, उसको मैंने पूरा अनुभव किया कि मैंने उसको उठाने के बाद मैं फिर डाउन हो गया। एक समय मेरा स्टेज इतना अच्छा था, फिर मेरा बहुत डाउन चला गया। देखो शिव कुमार, क्या होता है कि हमारे ज्ञान मार्ग हो, चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे कोई मार्ग हो, मेरी जर्नी अलग है हमेशा याद रखना जी, उसकी जर्नी अलग है हमेशा याद रखना जी। भावनाओं में आके ऋषि मुनि भी अपना तप दान में दे देते थे, पर किसके लिए दान कर रहे हो, देखो तो सही, क्योंकि असुर की देवता है कि सूर्य के असुर है जी, किसके लिए दान कर रहे हो, और वो ये दान करने से क्या उसकी आत्मा जागृति होगी, पहला ही क्वेश्चन ये जी, कि अगर उसकी आत्मा की जागृति हो रही है और तुम दान कर रहे हो तो तुम धन्य हो, और उसके अंदर ईगो पैदा हो रहा है तो तुम
तो उसका उसका क्या करोगे, उसका ईगो ईगो बनाओगे, वो ईगो के चक्कर में जितने पाप करेगा उसके तुम पार्टनर बनोगे। जी ये बिल्कुल सही है। तो यही चीज होती है ना कि हम अनअवेयर, यही बात हमें याद रखनी कि देखो हर एक की जर्नी अलग है। मैं हमेशा क्लास में ये भी कहता हूँ कि मृत्यु से मृत्यु तक नहीं, मृत्यु के बाद भी आत्माएं गलती करती है, पहले तो करती है अंत में भी करती है, और ये गलतियों का कोई कोई अंत नहीं है, कभी भी कहाँ भी कैसे भी कोई भी कर सकता है। ऋषि मुनि साधु संत महात्मा एक सामान्य मनुष्य और जानवर भी कर सकते हैं। इसलिए अंत तक अवेयर की परमात्मा ने बात कही कि अंत तक तुम्हें अपने कर्मों को वॉच करना है। जी। तो बता उसमें कुछ कह रहे थे आप। हाँ, तो मुझे बाद में क्लियरली समझ में कि मेरी गलती थी पास लेंगे तो ये ऐसा होना है, मैं उसको ठीक नहीं कर सकता हूँ, मुझे ऐसे ही ठीक होना है। तो फिर बाद में मुझे समझ में आ गया, तो ये दादाजी की कृपा थी। मेरे पास एक संकल्प थे, बेहद की परंपरा महाशांति है, महाशांति महाशांति है। तो इस संकल्पों के थ्रू मैंने उसे बाहर निकला, और दादाजी की कृपा थी, कुछ ऐसी आत्माएँ थी जिन्होंने मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया, उस सिचुएशन से मुझे बाहर निकाल दिया, मैं आराम से निकल गया। अभी अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो मैं पूरा अंदर से खाली बाहर से खाली, मीन्स मुझे पूरा समझ में आ गया कि ये ऐसा ही होना है, मैं जैसा सोचता हूँ। जैसे व्यक्ति विशेष के प्रभाव में आते हैं किसी भी, और उसका नॉलेज अधूरा है, या कहीं उसका और कहीं मन है, या उसकी बुद्धि कहीं और है, हाँ। और हम उससे ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, तो मतलब हम ज्ञान से ना प्रभावित होकर एक व्यक्ति से प्रभावित, और वो व्यक्ति जहाँ डूबेगा वो हमें डूबेगा। यही बात हुआ था कि वो माया में है और मैं जागृत हूँ, तो मैं सोचा उसको भी इधर खींचूं, लेकिन उसका कर्म बंधन उधर का था, इधर कैसे आएगा। तो ये ज्ञान मेरे को थोड़ा सा सुना था, लेकिन अनुभव में बाद में आया। देखो पेड़ को पकड़ के हम हिलाएंगे, उसको कहेंगे सुधर जा, लेकिन उसकी जड़ें तो जाके देखो कितनी गहरी। हाँ, तो उसके बाद में मुझे पता चला कि वो माया का उसका बहुत संस्कार है। तो हर व्यक्ति का अपने कर्म बंधन है, उनको चुकाना है, चुकाना है ना। चुकाने के लिए भगवान क्या करते हैं, भगवान डायरेक्ट हेल्प करते हैं, नहीं करते जी, ना? भगवान तुम्हें प्रेरणा देंगे, तुम्हें अच्छे लोगों से मिला देंगे, फिर तुम्हें बुद्धि चला के कुछ सीखना है उनसे। भगवान आके के तुम्हारे लिए कोई टीचर नहीं बनने वाले, है ना। तो भगवान अच्छे लोगों से मिलाएंगे, बुद्धि यूज करनी है कि भगवान की ओर जाना है, बुद्धि कहाँ लगानी है, ज्ञान सीखना है। तो हमें अपनी फ्री विल यूज करनी है, भगवान आके तुम्हारी फ्री विल को नहीं खत्म करेंगे। बिल्कुल सर, ये तो खैर ये तो जीवन में होता रहता है ना, पर अब तो आगे ही बढ़ना है। अब क्या जीवन का लक्ष्य है? जीवन का लक्ष्य पहले तो मैं एक बोलूँगा कि मेरे अंदर जितने भी गंदगी थी या जो भी था कोयला था, उसको अनुभव के द्वारा परमात्मा ने क्लियर करके मुझे पूरा स्थिर कर दिया, मन बुद्धि को पूरा स्थिर कर दिया है। तो स्थिर तो हो गया, तो अब मुझे बस आत्मस्वरूप लाइट स्वरूप धारण करके संकल्पों से सेवा करके विश्व परिवर्तन करना यही है, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद तो दूसरा कोई इच्छा रहती ही नहीं है। इच्छा रहती, ये बात तो परम सत्य है। तो और बचपन से ही था कि मैं लोगों का कल्याण करूं, तो मेरे अंदर था ही, तो मुझे जो चाहिए था वो तो मिल गया, दादाजी ने दे ही दिया कि तुम्हें इस हिसाब से कल्याण करना है, ऐसे वाइब्रेशन, ऐसे संकल्पों से। तो मैंने थ्योरी ऑफ वाइब्रेशन का जो थ्योरी है बहुत अच्छा से दादाजी की वीडियो से आपसे बहुत सीखा, बहुत समझा। और साइंस तो मैं अनुभव मैंने बहुत रुचि थी, तो मैं साइंस के हिसाब पढ़ता था, तो मैं आप लोग जो बोलते हैं तो मैं उसको फिर दूसरे तरीके से रिसर्च भी करता था। क्वांटम फिजिक्स क्या है, ये क्या है, उसके बारे में बहुत पढ़ा, रिसर्च किया। फिर वैदिक फिजिक्स क्या है, वैदिक्स के बारे में बताते थे कुछ कुछ अलग अलग लोग, अलग अलग अपनी जगह संस्था में, तो वो सभी मैंने सुना पढ़ा। कोई वैदिक फिजिक्स के बारे में विदेशों में साइंटिस्ट थे, आयुर्वेद के बारे में बताते थे कि ये वायु तत्व, जल तत्व, बॉडी के अंदर क्या क्या एलिमेंट है, उसको कैसे क्या करना है, कैसे बनाए। तो मैंने कहीं हर जगह से रिसर्च किया है, कोई एक नहीं है कि यहाँ से सीखना वाला नहीं। भक्ति मार्ग से भक्ति सीखा है, ज्ञानियों से ज्ञान सीखा है, अनुभव से अनुभव सीखा है, जो जैसे थे उनसे वो सीखा है, और सीख कर आज मैं पूरी तरह से संपूर्ण ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो चुका हूँ। अब जीवन में परमानंद की स्थिति, परमानंद की स्थिति आ गई है। जो भी था वो 3 दिन का ये प्रोग्राम था, मैं बहुत संकल्प किया था कि दादाजी ने मेरा सब कुछ साफ कर देंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत कुछ रह गई थी संस्कार वो आते ही यहाँ से, जो नेगेटिविटी भरी पड़ी थी। जब दादाजी मिलेंगे तो मैंने एक दो तमाओं को बोला था कि ये दादाजी क्लीनिंग करने के लिए बोला रहे हमारे अंदर, वो क्लीनिंग मेरे पूरी हो गए, मैं अनुभव ही कर लिया उसका। अच्छा। और जो पहले से तो ज्ञान में तो फिक्स है कि मुझे ये करना ही करना है, मगर वो थोड़ा सा डिले कर रहे थे, वो बार बार संस्कार आ जा रहे थे, तो वो यहाँ पूरा क्लियर हो गया। और मेरे अंदर तो बचपन से ही था कि मुझे विश्व कल्याण करो, तो मुझे जो चाहिए तो मिल गया है, अब तो कुछ चाहिए नहीं, इच्छा मात्र, मतलब सब कुछ मैंने अब तो ज्ञान स्वरूप पूरा हो चुका हूँ। चलो बहुत ही आपने बहुत ही गजब की, बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही डीप, और उनका जो जीवन का ही अनुभव है, उम्र छोटी उम्र में बहुत अच्छे उनके विचार थे, और आज भी वो विचारों को आगे लेके जा रहे हैं, और बहुत ही अच्छा मैसेज दुनिया में दे रहे हैं कि भाई
आप कहीं पर भी हो, कहीं भी जन्म हो, क्या क्या सीखा, क्या नहीं सीखा है, क्या जीवन में गलती हुई नहीं हुई, इन सबसे ऊपर उठो, है ना, आत्म कल्याण के लिए आगे बढ़ो ना। इस तरीके से हमारे देश के जवान और हमारे ऐसे यंगस्टर जब जागेंगे, जब ये चीज़ें सुनेंगे समझेंगे, तब जो है लोगों के अंदर एक एक लहर फैलेगी अवेयरनेस की, जागृति की, कि अब आध्यात्म में हमें आगे बढ़ना ही बढ़ना है। राइट, अब कोई जीवन में भय है, कोई भय नहीं, स्ट्रेस तनाव कोई भय नहीं, कुछ भी नहीं। एक चीज़ और बोल दूंगा, हाँ, जब मैं रिसर्च कर रहा था, ज्ञान में दादाजी की पूरा नहीं आता, तब मुझे एक बात चला था कि हमारे जो मेमोरी अगर उसको डिलीट कर दे तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो वहाँ वो सब में जागृति का बहुत अनुभव था। अच्छा। तो सब कुछ मन है, मन डिलीट हो गया, मन में रिकॉर्डिंग डिलीट हो गया, तो कुछ भी रहा ही नहीं। तो मन ही कर रहा है, मन ही भोग रहा है, आप सबको पता है, ज्ञानी हो आप लोग, तो इसको अनुभव कीजिए, उसको उतार लीजिए, और कुछ नहीं है, हम सब एक है, वननेस का थ्योरी। अच्छा, मुझे समझ में है। मन को डिलीट करने का रास्ता बता दो, चलो इतना ही बता ही दिए तो। मन का डिलीट करने का दो तरीका है, एक तरीका डायरेक्ट परमात्मा से पावर लीजिए, हाँ। लाइट से वो खत्म होगा, हाँ। दूसरा डिलीट है, दूसरा डिलीट होगा रिकॉर्डिंग का, जो रिकॉर्डिंग है उसको क्या बोलते हैं, साक्षी दिशा होगा, उसको भोग लिया आपने, हाँ। अच्छा बुरा एक्सेप्ट कर लिया, तो वो रिकॉर्डिंग भी डिलीट हो जाएगा, और एक डायरेक्ट परमात्मा से लाइट लेकर डिलीट कर सकते हैं। लेकिन ये मेन है कि कारण शरीर यानी जो चार्ज करना है, जो मन के अंदर जो नेगेटिविटी है उसको चार्ज करना है, वो तो परमात्मा ही करेंगे, वो सीधे परम लाइट से ही होगा। उसमें भी अलग अलग आत्माओं का अलग अलग कैटेगरी है, अगर कोई आकाश तत्व है तो उसको परम लाइट से तो कुछ नहीं है, लेकिन जो बेहद की आत्माएं हैं, जो हायर कैटेगरी की आत्माएं हैं, उनको परम लाइट ही चाहिए, क्योंकि वो हायर कैटेगरी का है, तो वो जो जहाँ का उस लेवल का चाहिए। ये तो सब आप लोग मालूम है, जो जितना बड़ा बैटरी होगा उतना बड़ा चार्जिंग करने वाला ट्रांसफार्मर चाहिए, तो सोर्स भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। राइट, तो क्योंकि हम उसके अंदर भी शरीर भी अलग है ना, कि किसी कारण शरीर है, किसी के महाकारण शरीर है, किसी के परम महाकारण शरीर है, अलग अलग शरीर है, तो जैसा है उसे पावर चाहिए। शिव कुमार ने पूरा ज्ञान को सुना है, अनुभव किया है, और आज हमारे सामने इतनी मस्त बातें कर रहे हैं, मुझे भी मोटिवेशन मिल रहा है कि मतलब इस उम्र में हमारी इतनी जागृति नहीं हुई थी जितनी उनकी हुई है, तो ये मुझे बहुत खुशी की बात है। तो इसलिए आज हम शिव कुमार को आप सबके सामने लाए कि ये हम समझ सके कि जागृति हमारे भीतर है। राइट, उम्र कोई भी हो, जागृति हमें करनी है, अपनी करनी है, और विश्व का हमें कल्याण करना है, ये हमारे अंदर भाव आना बहुत ही ज़रूरी है। तो और कुछ कहना चाहेंगे शिव? अगर ये भाव नहीं होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, ये भाव से ही मैं आया हूँ, ये भाव शायद परमात्मा ने दे रखा था बचपन से, तो उन्होंने परमात्मा ने मुझे रेज मार्ग ढूंढना है, तो ही मैं पहुँच पाया यहाँ से। पिछले जन्म में काफ़ी अच्छी जर्नी रही होगी, तो आज बचपन से ही इनके अंदर जो है ये अच्छे परमात्मा के प्रति भाव जागृत हुए। तो और कुछ कहेंगे शिव जी? परम शांति, चलो सब लोग आगे बढ़िए, विश्व कल्याण के लिए करिए। युवाओं के लिए कुछ संदेश? संदेश तो ये है कि आप ज्ञान समझिए, ज्ञान धारण कीजिए, आप ज्ञान समझ गए तो आप सब कुछ समझ गए, फिर कुछ भी भेद ही नहीं रह गया आपको, तो फिर आप खुद ही तय कर सकते हैं। दादाजी बोलते हैं ना, ज्ञानी खुद ही तय करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, वो तो स्वयं का डिसीजन होता है। तो आपको ज्ञान समझ में आया तो आप खुद ही तय कर लेंगे, किसी को बोलने के एडवाइस देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आत्मा ही ऑलरेडी मोटिवेटेड है। मोटिवेशन की दरकार तब होती है जब आपको डाउट होता है, संचय होता है, आपके अंदर कोई डाउट नहीं तो मोटिवेशन तो ऑटोमेटिक है, कोई चाहिए नहीं, सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं। बहुत ही बढ़िया, आज हमारे भाई ने मतलब बहुत ही अच्छी बातें करी है, हम उनका दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का, दादाजी का सबसे धन्यवाद, और आपको और यही कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हमारी जो यूट्यूब चैनल्स हैं, जैसे आप जानते हैं बापूजी दशरथ भाई पटेल हमारी मेन यूट्यूब चैनल है, जिसके अंदर मैं डेली लाइव मेडिटेशन कराता हूँ रात को 10 से 11, और मॉर्निंग में कराता हूँ सुबह 5:30 से 6:30 बजे। तो परम शांति मोटिवेशन हमारी चैनल है, ज़रूर से सर्च करिए, सब्सक्राइब करिए, और स्पिरिचुअल पॉडकास्ट पे तो आप आ ही चुके हैं, सब्सक्राइब करके जाइएगा, भाई साहब के लिए हमारे वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद की परम महाशांति, थैंक यू सो मच एवरीवन, परम महाशांति, परम शांति।